वेल, शिल्पा शिंदे ने रिसेंटली कुछ ऐसा कह दिया है जिसके चलते कुछ लोग जो है, जनता जो है, नाराज़ हो चुकी है ऑन हर। स्पेशली सिद्धार्थ के फैंस जो है उस पर नाराज़ है, उसके दोगलेपन को वो एक्सपोज कर रहे हैं। इस तरीके से सामने चीज़ें आ रही है। आखिर ऐसा क्या कह दिया है शिल्पा शिंदे ने कि उनके स्टेटमेंट को लेकर अब लोग जो है उन्हें कह रहे हैं कि तुम्हारी असलियत अब एक्सपोज हो रही है। लेट मी टेल यू गाइज इन दिस वीडियो वट इज़ हैपनिंग। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त फिरंगी कर्णिक। एज वी नो, बिग बॉस के घर के अंदर साजिद खान जो है एज अ कंटेस्टेंट हमें मौजूद दिख रहे हैं, जहाँ पे उनके ऊपर काफ़ी सारे लेडीज़ ने, स्पेसिफिकली अगर नंबर की बात करें 9 लेडीज़ हैं जिनमें उनका स्टाफ, यू नो, सेलिब्रिटीज में से मॉडल्स, एक्ट्रेसेस, इन्होंने इल्ज़ाम लगाया हुआ है साजिद खान के ऊपर कि उन्हें मोलेस्ट किया गया है। उनके सामने सेक्सुअल पार्ट्स जो है वो साजिद खान ने दिखाए हैं, उनसे सेक्सुअल फेवर्स मांगे हैं इन एक्सचेंज ऑफ वर्क। सो मीटू मोमेंट के चलते मोलेस्टेशन और यू नो सेक्सुअल हरासमेंट को सामने लाया गया था, जिसके बाद से साजिद खान को कहीं ना कहीं काम मिलना बंद हो चुका था। खुद की ही मूवी हाउसफुल 4 से भी निकाल दिया था। इन सारी चीज़ों के चलते एक रिडेम्पशन करके उन्हें कहीं ना कहीं बिग बॉस दिख रहा है। लोग बिल्कुल भी उन्हें देखना नहीं चाहते इसमें। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि एक फ्रेश स्टार्ट वो करे, तो ज़्यादातर लोग नहीं चाहते हैं कि बिग बॉस जैसे बड़े शो में साजिद खान दिखाई दे। अब इसके ऊपर एक काफ़ी स्टर्न, एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रहा है शिल्पा का। शिल्पा शिंदे, उन्होंने अपने एक रीसेंट इंटरेक्शन में ये बात कही है कि जो भी साजिद के साथ हुआ है पास्ट में, मे बी वो उसे करेक्ट करने के लिए उस सिचुएशन में रहने आए हो, ताकि वो अपने आप को करेक्ट कर पाए। एंड देर आर सम पीपल जो उन्हें हु वॉन्ट टू करेक्ट देमसेल्व्स, एंड एक्सेप्ट करना एक बहुत बड़ी चीज़ है। सो ऐसे यू नो एक बहुत बड़ा साजिद ने डिसीजन लिया है कि वो अपने आप को करेक्ट करना चाहते हैं, एक्सेप्ट कर रहा है अपने मिस्टेक को। सो इस चीज़ का इशू बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो अच्छी चीज़ है उसको भी तो देखो, इस तरीके से शिल्पा ने कहा। अब ये चीज़ों को लेकर फैंस को गुस्सा आ रहा है, जो बिग बॉस के फैंस हैं, सिद्धार्थ के फैंस हैं, स्पेशली विकास के भी फैंस हैं, उनका कहना है कि फिर तुम पीछे क्यों पड़ गई थी विकास के, सच अ शेमलेस वुमन यू आर। तो कोई कह रहा है काम चाहिए दीदी को, विकास गुप्ता याद है दीदी को कितना टॉर्चर किया था, तो दीदी ने माफ़ नहीं किया था उनको। तो कोई कह रहा है अच्छा डिड ही एक्सेप्ट हिज मिस्टेक्स, बता दो ज़रा कहाँ पे साजिद खान ने इन सारे चीज़ों को बोला है कि हाँ मैं गलत हूँ, मैंने गलती की है, मुझे माफ़ करो। ना उसने एक्सेप्ट की है गलती, ना उसने माफ़ी मांगी है। तो उसी के साथ साथ सिद्धार्थ के फैंस भी गुस्सा कर रहे हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला को याद है ना, मतलब तुम इतना ज़्यादा उसे बोला करती थी मॉन्स्टर है, इसे बिग बॉस से निकाल दो, तब कहाँ गया था ये। तो कोई कह रहा है सिड को ट्रोल करने से पहले सोचा नहीं बिग बॉस से निकाल दो, बिग बॉस से निकाल दो, ये कहने में शर्म नहीं आई थी, और अब साजिद को ये सपोर्ट कर रही है, पक्का पैसे मिले होंगे। तो कोई कह रहा है सिद्धार्थ और विकास के पीछे हाथ धो के पड़ी थी, मैं इन दोनों का बिल्कुल भी फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन ये चैनल के अगेंस्ट भी थी ना, एंड वो बिग बॉस 11 के विनर है, अब काम की ज़रूरत पड़ गया तो मकान लगाना शुरू हो गई, तो मक्खन लगाना शुरू हो गई। नॉट सरप्राइज बाय योर एक्शंस, बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि यही वही शिल्पा शिंदे है जो सीज़न 11 में थी। सो कहीं ना कहीं लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, दोगलापन दिख रहा है। इस पर आपकी क्या है ओपिनियन, इस पर आपका क्या है राय, लेट मी नो द कॉमेंट्स।